सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की सुरभि पुस्तिका के सप्तम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपका यह पाठ आपको समझाया हुआ है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप अपनी वह वाली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जब आप अपने पाठ को पहले अच्छे से समझ लेते हैं तो आप अपने प्रश्नों का उत्तर और भी आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपका प्रश्न है, प्रश्नानान पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा न। ये जो इन्होंने वाक्य दिए हुए हैं, इनके सामने आपको आम अथवा न लिखना है और बोलना है। आपके इन वाक्यों का उत्तर आपको अपने पाठ के अनुसार ही देना है। इसमें आपका पहला प्रश्न है, किम वयम नैनम बिना दृष्टुम शक्नुमः, क्या हम सभी बिना आंख के देख सकते हैं? तो आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर ना है, क्योंकि यह आपके पाठ के अनुसार भी और सामान्य रूप से भी आप जानते हैं कि हम बिना आंखों के नहीं देख सकते। तो आपके इस वाले प्रश्न के सामने आप ना लिख दीजिए। किम जलम धूमः भूत्वा गगनम गच्छति, क्या जल धुआं होकर गगन में जाता है? आपके पाठ के अनुसार आप जानते हैं कि जो आपका जल है वह धुआं बनकर गगन में जाता है, तो इसके सामने आप आम लिख दीजिए। किम पत्रम मुखेन बिना वदति, क्या पत्र बिना मुख के बोलता है? आप अपने पाठ में पढ़ चुके हैं कि जो आपका पत्र होता है वह बिना मुख के भी स्पष्ट वाक्य कहता है, तो आप इसके सामने आम लिख दीजिए। किम शिवा त्रिनेत्रधारी अस्ति, क्या शिव तीन नेत्रों को धारण करने वाले हैं? यह आपके पाठ के अनुसार और सामान्य रूप से भी आप जानते हैं कि जो शिव है वह आपके त्रिनेत्रधारी कहे गए हैं, तो आप इस वाक्य के सामने आम लिख दीजिए। किम घटिका जलम पिबति, क्या घड़ी जल पीती है? आपके पाठ के अनुसार आप पढ़ चुके हैं कि घड़ी जल नहीं पीती, तो आप इस वाक्य के सामने ना लिख दीजिए। किम नारिकेल फले जलम भवति, क्या नारियल के फल में जल होता है? आप अपने पाठ में पढ़ चुके हैं कि जो आपका नारियल का फल है वह जल को धारण करता है अपने अंदर, तो आप अपने इस वाले वाक्य के सामने आम लिख दीजिए। जो आपके इस प्रकार के वाक्य होते हैं उनका उत्तर आप अपने पाठ को पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 आपकी, मंजूषायाः उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। यह जो इन्होंने आपकी मंजूषा दी हुई है उनमें से आपको उचित पदों को चुनकर अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यह कार्य मैं आपका पहले ही कर चुकी हूँ, आप इसको एक बार समझ लीजिए। पत्रम मुखेन बिना वदति, जो आपकी मंजूषा में वदति पद यहाँ पर दिया हुआ है उसको आप यहाँ से चुनकर यहाँ पर भर देंगे, क्योंकि जो आपका पत्र है वह बिना मुख के भी बोलता है। जलम धरायाः ऊपरी अस्ति अधा अपि अस्ति, आपके इस वाक्य में अधा जो मैंने पद लिया है वह आपकी मंजूषा में यहाँ पर दिया है। आपके वाक्य का जो अर्थ है कि जल पृथ्वी के ऊपर भी है और नीचे भी है। घटिका भोजनम न खादति, जलम न पिबति, तथापि निरंतरम चलति। यह जो आपका वाक्य है इसमें आप देखेंगे खादति पिबति चलति, जो मैंने आपके रिक्त स्थान में तीनों पद भरे हैं वह आपकी मंजूषा में अलग अलग दिए हुए हैं। खादती आपका यहाँ पर दिया हुआ है, पिबती यहाँ पर, और चलती आपका पद यहाँ पर दिया हुआ है। यदि आप अपने पाठ को ध्यान से पढ़ते हैं तो आप अपने इस प्रकार के रिक्त स्थानों की पूर्ति बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपके इस वाले वाक्य का अर्थ है, घड़ी भोजन नहीं खाती जल नहीं पीती तब भी निरंतर चलती है। न तस्य आदि न तस्य अंतः, यहाँ पर जो आपका रिक्त स्थान में अंतः पद है वह आपका यहाँ पर मंजूषा में आया हुआ है, तो आप वहां से लेकर इसको भर देंगे कि उसका न आदि है। आदि का अर्थ होता है आपका आरंभ, कि न उसका आरंभ है न उसका अंत। तस्य त्रीणि नेत्राणि संति तथापि शिवः न अस्ति,
जो आपके इस वाक्य में संति और सिवा पद आए हैं वह आपकी मंजुषा में संति आपका यहाँ पर और सिवा आपका यहाँ पर पद दिया हुआ है। आप अपनी मंजुषा से पद लेकर यहाँ पर भर देंगे कि उसके तीन नेत्र हैं तब भी वह शिव नहीं है। यहाँ पर मैंने आपका संति इसलिए भरा है क्योंकि त्रीणी नेत्राणी आपका बहुवचन का पद है। आप अपने पाठ को यदि ध्यान से पढ़ते हैं तो आप अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपकी, विपरीतार्थकान शब्दान चित्वा लिखंतु। जो आपकी मंजूषा में इन्होंने पद दिए हुए हैं वह आपके इन पदों के विपरीत पद हैं। यह कार्य भी मैं आपका पहले ही कर चुकी हूँ, आप इसको भी समझ लीजिए। जैसे आपका इतहा जो आपका शब्द है इसका अर्थ होता है इधर, इसका जो विपरीत या विलोम शब्द होगा वह आपका होगा ततः यानी कि उधर। ऊपरी का अर्थ है ऊपर, इसका जो विलोम है अधः, अधः का अर्थ है आपका नीचे। आम, आम का अर्थ होता है आपका हाँ, जो इसका विपरीत शब्द है वह आपका होता है ना, ना का अर्थ होता है आपका नहीं। आदि, आदि का जो अर्थ है वह आपका होता है आरंभ, तो आपके आरंभ का जो विपरीत है वह आपका है अंतः यानी कि अंत। मम, मम का अर्थ है आपका मेरा, जो आपके मम पद का विपरीत होगा वह आपका है तव यानी कि तुम्हारा। निरंतरम, निरंतरम का अर्थ होता है आपका हमेशा या लगातार, आपके इस पद का जो विलोम पद होगा वह आपका है यदा कदा यानी कि कभी कभी। इस प्रकार आप अपने इन पदों के विलोम पद अपनी मंजूषा से चुनकर यहाँ पर भर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है आपकी, एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। यह जो आपके इन्होंने प्रश्न दिए हुए हैं इनके प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में देने हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर जो मैं कराती हूँ वह मैं अपने अनुसार कराती हूँ। यदि आपकी शिक्षिका इन प्रश्नों के उत्तर कुछ भिन्न कराती है तो आप अपनी शिक्षिका के अनुसार ही कीजिए। आपको मैं आपके प्रश्नों की हिंदी और आपके प्रश्नों का जो उत्तर होता है वह अपने अनुसार ही बताती हूँ। इसमें आपका प्रश्न है वयम केन पश्यामः, हम किसके द्वारा देखते हैं। आपके इस वाले प्रश्न का जो उत्तर है वह आपका है नेत्रेण यानी कि आँख के द्वारा। लेकिन यहाँ पर आपके शिक्षक यदि नेत्राभ्याम भी कराती है तो आप उसको भी कर सकते हैं कि हम आँखों के द्वारा देखते हैं। लेकिन जो आपका उत्तर है वह मेरे अनुसार नेत्रेण होगा, क्योंकि केन जो आपका प्रश्नवाचक पद है वह आपका किम सर्वनाम में तृतीय विभक्ति एकवचन का पद है। तो आप अपने उत्तर का नियम जानते हैं कि जो आपका प्रश्नवाचक जिस वचन का होगा आपका उत्तर भी उसी वचन का होना चाहिए। आपके केन के स्थान पर इस वाले प्रश्न का उत्तर होगा नेत्रेण। यदि आपकी शिक्षिका इससे भिन्न कोई उत्तर कराती है तो आप उसको ही करिए। पत्रवाहक किम वितरति, जो डाकिया होता है वह क्या बांटता है। आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर है पत्रम की पत्र। का भोजनम न खादति, कौन भोजन नहीं खाता। आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर है घटिका की घड़ी। मेघः केन निर्मितः, जो बादल है वह किसके द्वारा बनते हैं। आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर है जलेन की जल के द्वारा। का समयम बोध्यति, कौन समय बताता है। आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर है घटिका की घड़ी। प्रश्न संख्या 5 है आपकी, कोष्टकात् उचितं पदं चित्वा एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। यह जो आपके इन्होंने ब्रैकेट में पद दिए हुए हैं उनमें से आपको सही पद को चुनकर आपके इन प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न है चरणाभ्याम बिना किम चलती, दोनों पैरों के बिना कौन चलता है। तो आपके इस वाले प्रश्न का जो उत्तर है वह आपको अपने ब्रैकेट में आए हुए पदों में से ही सही पद चुनकर भरना है। तो आप अपने पाठ को पहले ही पढ़ चुके हैं और आप अपने पाठ को पढ़ने के बाद जानते हैं कि बिना पैरों के कौन चलता है। तो आप अपने इन तीन पदों में से जो आपका पत्रम पद है उसको चुनकर यहाँ पर भरेंगे तो आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर होगा चरणाभ्याम बिना पत्रम चलती,
कि दोनों पैरों के बिना पत्र चलता है। कस्य आदि अंतः च न भवति, किसका आरंभ और अंत नहीं होता। इस वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा वह आपने इन तीन पदों में से सही पद को चुनकर बनाएंगे। तो आपका सही पद है नयन शब्दस्य। तो आप इसका प्रयोग करते हुए इस वाले प्रश्न का उत्तर बनाएंगे, नयन शब्दस्य आदि अंतः च न भवति, कि आपकी आंख जो शब्द है उसका आदि और अंत नहीं होता। आपका अगला प्रश्न है, धूमः भूत्वा कहा गगने भर्मति, धुआं बनकर कौन आकाश में घूमता है। आप अपने इस पद के उत्तर के लिए जो आपके इन्होंने ब्रैकेट में तीन पद दिए हुए हैं उनमें से सही पद चुनेंगे, वह आपका है मेघः। और आपके प्रश्न का उत्तर बनेगा, धूमः भूत्वा मेघः गगने भर्मति, कि धुआं बनकर बादल आकाश में घूमते हैं। कस्मिन् जलम् भवति, किसमें जल होता है। यह आप अपने इन तीन पदों में से सही पद चुनकर इस वाले प्रश्न का उत्तर बनाएंगे। तो आपका इन तीन पदों में से सही पद है नारिकेल फले, कि नारियल के फल में। तो आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर बनेगा, नारिकेल फले जलम भवति, नारियल के फल में जल होता है। मुखेन बिना का वदति, मुख के बिना कौन बोलता है। इस वाले प्रश्न के उत्तर में आप इन तीन पदों में से सही पद चुनकर अपने इस प्रश्न का उत्तर बनाएंगे। तो आपका सही पद है पत्रम, तो उसको आप चुन लेंगे और इसका जो उत्तर बनेगा वह आपका है मुखेन बिना पत्रम वदति, कि बिना मुख के पत्र बोलता है। इस प्रकार आप अपने पूर्ण वाक्यन वाले प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। यदि आपने अपना पाठ समझा हुआ है और यदि आपने वह पाठ नहीं समझा है तो इससे पहले ही वीडियो में आपकी वह बना चुकी हूँ, आप उसको भी जरूर देख लीजिए। प्रश्न संख्या 6 आपकी, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, यह जो आपके वाक्य में इन्होंने स्थूल पद दिए हुए हैं उनके स्थान पर आपको प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने इन वाक्यों का प्रश्न निर्माण करना है। आपका पहला जो वाक्य है पत्रम मुखेन बिना वदति, इस वाले वाक्य में मुखेन आपका स्थूल पद है, तो आप अपने मुखेन के स्थान पर केन शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो आपका मुखेन शब्द है वह आपका तृतीय विभक्ति एकवचन का पद है। तो आप अपने किम सर्वनाम से तृतीय विभक्ति एकवचन वाला ही पद प्रयोग करेंगे जो आपका है केन। इस प्रकार आपका वाक्य बनेगा पत्रम केन बिना वदति, प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें जरूर लगाएं। धूमः गगनम गच्छति, इस वाले वाक्य में गगनम आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप कुत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गगनम जो आपका पद है वह आपका स्थानवाचक पद है। तो आप अपने अव्यय वाले पद में जानते हैं कि स्थानवाचक के लिए कुत्र का प्रयोग होता है। इस प्रकार आपका वाक्य बनेगा धूमः कुत्र गच्छति, आप अपने इस वाले वाक्य के सामने भी प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। घटिका निरंतरम चलती, इस वाले वाक्य में घटिका आपका स्थूल पद है जो आपका स्त्रीलिंग में प्रथम विभक्ति एकवचन का पद है, तो आप अपने घटिका के स्थान पर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि किम सर्वनाम में स्त्रीलिंग में प्रथम विभक्ति एकवचन में आपका का पद ही होता है। आपका वाक्य बनेगा का निरंतरम चलती, इसके सामने भी प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाए। गरुड़ाहा वृक्षा अग्रवासी अस्ति, इस वाले पद में गरुड़ाहा आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप कहा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गरुड़ाहा आपका पुल्लिंग में प्रथम विभक्ति एकवचन का पद है, तो आप अपने किम सर्वनाम से पुल्लिंग वाले भाग में जो आपका प्रथम विभक्ति एकवचन वाला पद है वह आपका है कहा, उसका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे, कहा वृक्षा अग्रवासी अस्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। नारिकेल फलम जलेन पूरितम भवति, इस वाले वाक्य में जलेन आपका स्थूल पद है, तो आप अपने जलेन के स्थान पर केन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जलेन आपका तृतीय विभक्ति एकवचन का पद है, तो आप अपने किम सर्वनाम से तृतीय विभक्ति एकवचन का पद लेंगे केन। तो आपका वाक्य बनेगा नारिकेल फलम केन पूरितम भवति, इसमें भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं।
इस प्रकार आप अपने किम सर्वनाम और अपने अव्यय पद जो आपके प्रश्नवाचक पद होते हैं उनको याद करते हुए अपने इस प्रकार के प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है आपकी, उचितम मेलनम कृत्वा लिखन्तु। यह जो आपके इन्होंने इधर कुछ पद दिए हुए हैं, बीच में आपका रिक्त स्थान इन्होंने बनाया हुआ है और यहाँ पर भी आपके कुछ इन्होंने वाक्य पद के रूप में दिए हुए हैं। यहाँ पर जो आपका इन्होंने रिक्त स्थान बनाए हुए हैं उनमें आपको यह सही मेल करके लिखना है। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ। यहाँ पर इन वाक्यों के साथ ही आपका कर्म भी मैंने लिखा हुआ है, तो एक बार समझ लीजिए। न तस्य आदि आपका इस वाले वाक्य के जो मेल होगा वह आपका यहाँ पर दिया हुआ है, न तस्य अंतः। इसी प्रकार आपको शेष सभी वाक्य बनाने हैं। अपादः इस वाले के साथ जो आपका मेल होगा वह आपका है दूरगामी च, जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अमुखः अमुखा के साथ जो आपका मेल है इस फुट वक्ता च, जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति, जो आपके इस वाक्य के साथ मेल बना है वह आपका यहाँ पर दिया हुआ है। साक्षरः न च पंडितः, साक्षरः के साथ जो आपका मेल बना है वह आपका यहाँ पर दिया हुआ है। धरायाः ऊपरी अधा अपि वस्ति, इस वाले वाक्य के साथ जो आपका मेल बना है वह आपका यहाँ पर दिया हुआ है। यह भी यदि आप अपना पाठ समझेंगे तो उसके बाद और भी आसानी से कर लेंगे। मूल्यात्मक प्रश्न, यह जो आपके मूल्यात्मक प्रश्न होते हैं और आपके गतिविधि प्रश्न होते हैं यह आपको स्वयं ही करने होते हैं, लेकिन मैं आपको इनकी हिंदी समझा देती हूँ जिससे आप इनको आसानी से कर सके। यहाँ पर मूल्यात्मक प्रश्न में आपका है, युष्माभिः पहेलिकायां घटिकायाः विषये पठितम्, कि हम सभी के द्वारा पहेलिका जो हमने अभी अपना पाठ पढ़ा है उन पहेलियों में घड़ी के विषय में पढ़ा है। घटिका समयम बोधयितुं निरंतरम चलती, जो घड़ी है वह समय बताने के लिए निरंतर चलती है। सा समय से पालने सदुपयोगे च जनानां सहायतां करोति, वह समय के पालन में और समय के सदुपयोग में लोगों की सहायता करती है। अधुना विचारयन्तु पुस्तकायां च लिखन्तु यत् निरन्तरं चलनेन घटिका अस्मभ्यं कं संदेशं यच्छति। अब आप विचार कीजिए और अपनी पुस्तक में लिखिए। पुस्तक में लिखने का अर्थ है कि जो आपकी कॉपी होती है वहाँ पर आपको लिखना है कि घड़ी जो है वह निरंतर लगातार चलने के द्वारा हम सभी के लिए क्या संदेश देती है। यह आपका मूल्यात्मक प्रश्न है, यह आपको स्वयं ही करना है। गतिविधि प्रश्न में है आपका, काम अपि अन्याम पहेलिकाम अन्विष्य कक्षा पुस्तिकायाम लिखन्तु ताम कक्षायाम श्रावयन्तु च। कोई भी आप अन्य पहेली ढूंढने के बाद अपनी कक्षा पुस्तिका यानी कि जो आपकी कॉपी है उसमें लिखिए, या जो आपकी पुस्तक में यहाँ पर नीचे रिक्त स्थान दिया हुआ है उसमें भी आप लिख सकते हैं और उसको कक्षा में भी आप सुनाइए। यह आपका गतिविधि प्रश्न है, यह भी आपको स्वयं ही करना है। यहाँ पर आपके सातवें पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। मिलते हैं आपको इस पाठ के व्याकरण के साथ। सर्वेभ्य नमो नमः।